हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, सेविकाओं, सहायिकाओं का एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को मालूम है, पिछले 10-15 दिनों के अंदर मैंने आपको 2-3 जिलों की ऐसी खबरें दिखाई है जिसके मुताबिक वहां पर आंगनवाड़ी केंद्रों का समय इस भयंकर गर्मी के चलते कम किया गया है। इसी के संबंध में समय की और कटौती करते हुए बिहार की राजधानी पटना से पटना जिले के लिए वहां के डीएम ने लेटर जारी कर दिया हुआ है। अब वहां पर केंद्र मात्र 3 घंटे ही चलेंगे और इसमें सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र सभी के लिए निर्देश जारी किया गया है। देखिए, अगर आपको आपके जिले का डिटेल चाहिए कि आपके जिले में आंगनवाड़ी केंद्र कितने बजे बंद हो जाएंगे, कितने घंटे चलाने हैं, तो इसके लिए आप अपने जिले का नाम नीचे कमेंट कर सकती है। मैं उसके लिए भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। साथ में इसके संबंध में आप अपने ICDS ऑफिस, डेटा ऑपरेटर, CDPO या LS से भी पता कर सकती हैं, क्योंकि भयंकर गर्मी जो है वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अप्रैल में यही हाल है तो मई में क्या हाल होगा आप समझ सकती हैं। चलिए, लेटर को मैं आपको आगे दिखा करके सारी चीजें समझा देता हूँ। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आप सभी सेविका सहायिका इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखना इसलिए जरूरी है, आप सभी को मालूम है कि अभी पूरे बिहार के प्रत्येक ज़िले में जो है गर्मी सुबह 10-9 बजे के आसपास ही बहुत ज़्यादा हो रही है और दिन भर जो है धूल भरी आंधी चल रही है, लू चलना शुरू हो चुका है, 40 डिग्री सेल्सियस से तापमान ज़्यादा बढ़ चुका है हर एक ज़िले में। और प्रेडिक्शन ऐसा है, अनुमान ऐसा है मौसम विभाग का कि आने वाले 3-4-5 दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। इसको लेकर आंगनवाड़ी केंद्र और सरकारी विद्यालय के संबंध में बिहार के एक ज़िले से लेटर जारी हुआ है। इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा कि इस ज़िले में क्या स्थिति है। अगर आपको आपके ज़िले के बारे में जानना है कि आपके ज़िले में जो है छुट्टी की क्या स्थिति है, आंगनवाड़ी केंद्र पर या सरकारी स्कूल पर समय कम हुआ या नहीं हुआ, तो इसके लिए आप अपने ज़िले का नाम नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसके लिए भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले इस लेटर को समझिए जिसे न्यायालय जिला दंडाधिकारी पटना से आदेश के रूप में जारी किया गया है। यानी मैं आपको शुरुआत में बता दूं, ये बिहार की राजधानी पटना जिले के लिए जो है आंगनवाड़ी केंद्रों के टाइमिंग और वहाँ के सरकारी स्कूल के लिए समय कम किया गया है। लिखा गया है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पटना जिले में भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। लिखा गया है कि मैं शीर्षद कपिल अशोक, भारतीय प्रशासनिक सेवा, यानी कि शीर्षद कपिल अशोक IAS अधिकारी हैं जो जिला दंडाधिकारी पटना के हैं। इनकी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पटना जिला के सभी, चाहे वो निजी यानी प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल हो, उसमें जो है स्कूल के साथ साथ प्री स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्र सभी आते हैं, इनमें 10वीं कक्षा तक के सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10:30 बजे से शाम के 4 बजे तक, साथ में 11th-12th क्लास की सभी शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 11:30 बजे से शाम के 4 बजे तक प्रतिबंध लगाता हूं। विद्यालय प्रबंधन को एतद् द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को तदनुसार पुनर्निर्धारित करें। यानी कि सीधे मैं अगर बात करूं तो पटना जिले में आंगनवाड़ी केंद्र और प्री स्कूल और 10वीं क्लास तक के सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स को जो है सुबह 10:30 बजे तक ही चलाना है, उसके बाद काम नहीं करना है। यानी आप ये मान के चलिए कि पटना ज़िले में सुबह 7:30 बजे में स्कूल खुलेंगे, स्कूल या आंगनवाड़ी केंद्र खुलेंगे 10वीं तक के, और सुबह 10:30 बजे में हर हाल में वहां बंद कर देना होगा, क्योंकि उसके बाद भयंकर गर्मी का प्रकोप जारी हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, उपरोक्त नए समयानुसार आदेश ज्ञापन कितना दिनांक 18 अप्रैल 2024 को संशोधित किया जाता है। संशोधित आदेश 26 अप्रैल 2024 यानी कल से लागू होगा एवं 30 अप्रैल 2024 तक प्रभावी रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि कल से पटना जिले में 26 अप्रैल से जो है 10:30 तक ही आंगनवाड़ी केंद्र और 10वीं तक के सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल चलेंगे, क्योंकि उसके बाद गर्मी काफ़ी बढ़ जा रही है, लू चलने लग रही है। साथ में यहाँ पर इसके संबंध में 18 अप्रैल को भी लेटर जारी हुआ था कि सुबह 11 बजे के बाद कोई काम नहीं करना है, लेकिन जो है 11:30 के बाद, लेकिन जो है अब जो है यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्रों के टाइमिंग में कटौती हो चुकी है, मात्र 3 घंटे केंद्र ही यहाँ चलेंगे। लिखा गया यह आदेश आज यानी 25 अप्रैल 2024 को मेरा हस्ताक्षर न्यायालय के मुहर से निर्गत किया गया। यहाँ पर जिला दंडाधिकारी जो शीर्षद कपिल अशोक, उनका सिग्नेचर और 25 अप्रैल का डेट देखने को मिल जा रहा है। इस लेटर को सभी अधिकारी पदाधिकारी को विभाग को सौंप दिया गया, यानी प्रेषित कर दिया गया है। तो देख पा रहे क्या स्थिति आपके जिले में, अगर ऐसी स्थिति आएगी तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसके लिए वीडियो लाऊंगा। फाइनली इसी वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।